लोगों में अपनी औलाद का हक अदा करना, ताकि अपनी बिल्कुल खराब ना समझदार आदमी मिलेगा तो क्या बात करेगा भाई, तो पहली दफा सुना है सही बात, मैंने अपनी औलाद का हक अदा कर दिया बिल्कुल खराब बना दिया। तो भाई हमने ये तो कहते हुए सुना था मैंने अपनी औलाद का हक अदा कर दिया, इसको इंग्लिश सिखा दी, इसको वेबसाइट बना दिया, इसको एक अच्छा स्टेटस दे दिया, लोगों के सामने खड़े होने के काबिल बना दिया, कारोबार करने के काबिल बना दिया, मान लिया बेटा पांच घर का मालिक है, पांच दुकानों का मालिक है, कहीं जाए तो उसकी रिस्पेक्ट है। ये वाली चीजें तो समझ में आती है कि बाप भाई मैंने अपने बेटे का हक अदा कर दिया, ये क्या बात है, एक बाप भाई मैंने अपने बेटे का हक अदा कर दिया, नतीजे में कहीं मैंने वॉशरूम बना दिया। हाँ अगर एक बाप, मिसाल से व्यक्त करो समझना, एक बाप अपने बच्चे को कपड़े पहनना सिखा रहा है, अपने बच्चे को इंग्लिश बोलना सिखा रहा है, अपने बच्चे को दो रुपए से एक लाख रुपए कमाना सिखा रहा है, एक लाख से एक करोड़ कमाना सिखा रहा है, ये सारे काम सिखा रहा है, ये काम सब बिल्कुल खराब है। सारे काम क्या है भाई, क्यों बिल्कुल खराब है, करता हूँ सारे घर में वॉशरूम बहुत छोटा छोटा होता है, सारे घर में वॉशरूम बहुत छोटा होता है, जितनी आपने अपने बच्चे को तैयारी कराई है दुनिया की तैयारी कराई, दुनिया आखिरत के मुकाबले में वॉशरूम जैसी, दुनिया आखिरत के मुकाबले में वॉशरूम जैसी, और आखिरत ना खत्म होने वाली जिंदगी। तो बताओ अगर एक बाप ने अपने बच्चे को आखिरत नहीं सिखाई, नमाजी नहीं बनाया, अपने बच्चे को दीनदार नहीं बनाया, अपने बच्चे को अल्लाह से डरने वाला नहीं बनाया, तो इस बाप ने हक अदा किया, उसने दूसरी वॉशरूम बना के लिया। जिस तरह हम और आप उसको बेवकूफ बाप कहते हैं जो कहेंगे औलाद का हक अदा किया और नतीजे में वॉशरूम लाता है, कोई दुनियादार आदमी कहे मेरे औलाद का हक अदा किया, मेरे उसको दुनिया का मालिक बना दिया, दुनिया चमका दी आसमान वालों की नजदीक की, ये बाप बेवकूफ। इसलिए कि ना खत्म होने वाली जिंदगी आने वाली कयामत, जन्नत जहन्नम, ये हमारी असल बुनियाद है, असल असास है। सारा कुरान तीन खुलासा, सारा कुरान तौहीद रिसालत, मरने के बाद दोबारा उठना, तौहीद रिसालत करने के बाद दोबारा उठना, सारा कुरान इससे बना हुआ। जो सा पारा निकाल लो तकरीबन सूरतों में कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर अल्लाह जल्ला जलालहु अम्मनावर ये बात जरूर समझाएगा। तिलकर रसूल जैन अली सलाम जा रहे हैं बस्ती को उजड़ा हुआ देखा, अरे हरी तो बिल्कुल खत्म हो गई, दोबारा कैसे सही हो, मुशरिकीन है ना शिर्क जो करते, उनका इतना ईमान था बनाया अल्लाह ने, लेकिन उनका ये ईमान नहीं था कि दोबारा अल्लाह उठाएंगे, बोले हम इस बात को नहीं मानते। अल्लाह ताला फरमाते हैं अजीम नादान, एक चीज पहले कभी नहीं बनी थी उसको बनाना मुश्किल होता है, एक दफा बनाने के बाद दूसरी दोबारा बनाना क्या मुश्किल है, जब तुम पहले नहीं थे मैंने तुम्हें बना दिया तो दोबारा तुम्हें बनाना क्या मुश्किल। तो उज़ैर अलैहि सलाम ने ऐसी दिल में सवाल कर लिया कि बस्ती पूरी जो है ना बस्ती उजड़ चुकी है और जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, कैसे दोबारा कयामत के लिए उठेगी। अल्लाह ने नींद दे दिया था आम 100 साल, कितनी नींद दी भाई बोलो, 100 साल, 100 साल के बाद जब उठे कुरान है, कुरान यही कह रहा कुरान, कुरान का मतलब इस कितनी देर कह रहे हो भाई, कितनी देर सोए लबिस तो यौम बना हुआ है, लबिस तो यौम बना हुआ, एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ताला कहता है अर्थात के होते तो दिन और दिन का ही हिस्सा बोल रहा है, पूरे 100 साल तक सोया है वो, मैंने तुझे दोबारा उठाया, मैं कयामत के दिन ऐसे उठाऊंगा, मैं कयामत के दिन ऐसे उठाऊंगा। इब्राहिम अलैहि सलाम पूछे अल्लाह ताला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इब्राहिम रब्बी अरिनी कई बात को किए होगा, अल्लाह उसको दिखा दीजिए ना आप मुर्दे को कैसे जिंदा करें, और अल्लाह तुम भी इब्राहिम ईमान नहीं लाया, और अल्लाह नहीं कि अल्लाह ईमान लाया, बोला कि लिए तो इन नकल भी मेरा ईमान और मजबूत हो जाए, इसलिए पूछ रहा हूँ ईमान लाया हो आप, इस पर काफी नहीं कि आप दोबारा मरने के बाद उठाएंगे। चारों परिंदों के अपने अपने गोश उठे गए, अपने अपने गोश के साथ शामिल हुए, परिंदे मन के उड़ने लग गए, सुमदरून नया तीन नसाया इब्राहिम, हम कयामत के दिन ऐसे मुर्दों को दोबारा उठाएंगे। तो हमारा और आपका अय्याशी करना, उम्र तय करना कि शायद अभी 40 के बाद जारी रखो, ये आपको किस तरीके से, ये कैसे हम अपनी तरफ से तय कर लिया 40 तक दिन जिंदा रहोगे या रमजान में नमाज दे बाकी अल्लाह गफूर रहीम अल्लाह माफ करने वाला, ये आपने कैसे देख लिया।
काफी लोग रियासी वाली जिंदगी गुजारे और मस्ती वाली जिंदगी गुजारे समझ में आता है मुसलमानों के लिए गुंजाइश नहीं है। मुसलमानों के बाद आप देखो मैं आपको हदीस से सुना रहा हूँ, सब ईमान वाले बैठे हदीस है, जन्नत के बाद जन्नत खड़ा होगा जैसे घर के बाहर घंटी बजाता है ना, ऐसे घंटी बजाने से पहले हदीस है अल्लाह के नबी फरमाए करोड़ों खरबों शरबों साथ। बोलो भाई, बोलो भाई, इसमें कोई अभी मेरे पास से 150 साल का भी नहीं, कुछ 100 साल का भी हो, करोड़ों खरबों साल सिर्फ जन्नत का दरवाजे की खूबसूरती देखे कि उसकी अकेली भी हो। ये स्पेस बोल का बंगला नहीं।